अगर हम जेंडर डिस्फोरिया जो एक टर्म है उसके बारे में बात करें तो ये क्या है और जेंडर डिस्फोरिया? डिस्फोरिया का बेसिकली मतलब है अनइजीनेस या डिससैटिस्फैक्शन। सो जेंडर डिस्फोरिया का मतलब है कि अपने जेंडर से जो आप हो, पर मेल हो या फीमेल हो, उससे अनइजीनेस या डिससैटिस्फैक्शन। और इस ये जेंडर आइडेंटिटी जो हम कहते हैं, जैसे हम हिंदी में शायद आत्मलिंग भी बोलते हैं, जेंडर आत्मलिंग अस्तित्व, ये होता क्या है? जेंडर आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब हुआ कि कैसे आप अपने आप को डिफाइन करते हो, आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, जो आप फील करते हो। जैसे अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं एज अ फीमेल फील करती हूँ, और वही मैं दूसरों के आगे प्रेजेंट करना चाहती हूँ। अगर मैं मेल हूँ तो मैं मेल प्रेजेंट करना चाहती हूँ। अपनी आइडेंटिटी मैं कैसे देख, ये जेंडर आइडेंटिटी के बारे में तो बता दिया आपने, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, जिसे हम हिंदी में लैंगिकता भी बोलते हैं? सेक्सुअल ओरिएंटेशन से मतलब हुआ कि आपकी सेक्सुअल या रोमांटिक या इमोशनल अट्रैक्शन किस तरफ है, वो क्या सेम जेंडर की तरफ है, ऑपोजिट जेंडर की तरफ है, वो आपकी अट्रैक्शन किस तरफ है। तो इससे और जो हमारे जो लैंगिकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है, उसका उससे डिफरेंस क्या है इसका? आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो। ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि आपका अट्रैक्शन किस तरफ है। तो क्या ये अलग अलग चीजें हैं? क्या ये क्योंकि आमतौर तो लोगों में जो ये होता है तो जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, लाइक लोग कहते हैं, तो क्या ये अलग अलग हो सकता है? ये एक ही चीज के दो पहलू है। आप अपने बारे में क्या फील करते हो और कैसे आप उस चीज को आगे प्रोसीड करके दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो आप फील करेंगे वहीं से ही अट्रैक्शन आएगा।